हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पैर गई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से जगह से करे हो गए। बेटा जैसे जैसा कि आप लोग पता है कि तबीयत थोड़ी सी खराब होने के कारण मैं इसमें वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब तबीयत फिट हो गई है तो अब से प्रॉपर आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही थी, हम लोग का टॉपिक चला था आइजन डिस्टेंस टॉपिक। हम लोग प्रीवियस ईयर से सारे सारे इसके क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। बेटा इसके हम पहले क्वेश्चन की चलते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करता हूँ, फिर आपको मैं क्वेश्चन का अर्थ यहाँ पर समझाऊंगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ शिप। कह रहे हैं कि कोई आपका शिप है, शिप के प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी मतलब खड़ा है। तो कह रहे हैं विच इज ए मीटर हाई अबव द सरफेस ऑफ वाटर। तो देखो कह रहे हैं, जैसे मैं आंसर नंबर यहाँ पर अगर मैं पहले की बात करता यहाँ पर हूँ, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कोई आदमी शिप के प्लेटफॉर्म पर मतलब शिप के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, जो कि शिप का प्लेटफॉर्म जैसे मतलब ये आपका अर्थ का सरफेस मान लो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका अर्थ का सरफेस हो जाएगा, अर्थ नहीं सॉरी क्या हो जाएगा, ये हमारा वाटर का सरफेस हो जाएगा। कह रहे वाटर के सरफेस से ए मीटर पर, वही मान लेंगे ये आपका ए मीटर हो जाएगा, ये शिप का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इतना हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है रहा, इसके बाद कह रहा है ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल। कह रहे हैं कि इसके सामने कोई हिल ऐसे होगी, वही होगी ऐसे करके ना, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हिल हो जाएगी, समझे सर। तो कह रहे हैं हिल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हमको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा देखेगा हिल के टॉप का, ऐसे मान लो देख रहा होगा, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे तो वाटर के सरफेस से पैरेलल एक प्लेटफॉर्म के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, जो हिल को पॉइंट ई पर मान लो कट करेगी। तो ये बेटा कितना हमको दे रखा है, ये हमको 60 डिग्री यहाँ पर एंगल दे रखा है। इसी बात कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल। भाई देखो हिल का बेस यहाँ पे मान लो हो जाएगा, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है बेटा, ये कितना, ये हमको 30 डिग्री दे रखा है। ये अभी हम रफली फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, समझ में आ जाएगा, तो इसी फिगर से हम लोग का काम यहाँ पर चल जाएगा। अब देखो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस, हमको क्या फाइंड करना है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। कह रहे हैं शिप की डिस्टेंस और हिल की डिस्टेंस की, मतलब शिप और हिल के बीच की डिस्टेंस है हमको वो फाइंड करनी है। ठीक, तो कह रहा है क्या फाइंड करना है, सिवा कह रहे हैं हमको हिल की हाइट बतानी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को हम अच्छे से फिगर ड्रॉ करते हैं और आपको समझाने का यहाँ प्रयास करते हैं। देखो इधर, ये तो आपका रफली फिगर था एक, अब इधर देखो क्या हो जाएगा, आपका थोड़ा ऊपर डालते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहेगा। आंसर नंबर फर्स्ट की बात करी गई है, देखो इधर तो क्या हो जाएगा, इधर ये बेटा आपका मान लो वाटर सरफेस हो जाएगा, तो ये ए बी मान लो आपका वाटर सरफेस हो जाएगा, और कह रहे हैं कि ए से मतलब वाटर सरफेस से स्मॉल ए मीटर की डिस्टेंस पर ये क्या हो जाएगा, एक शिप होगा, शिप का प्लेटफॉर्म। मतलब देखो वैसे शिप होता है, शिप पानी से कुछ ऊपर उठा होता है ना, तो वहां पर कोई आदमी खड़ा होगा, तो मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा, ये डी पॉइंट हो जाएगा ना, डी पॉइंट आदमी जो खड़ा है ना, पर्सन की पोजिशन हो जाएगी, इसके सामने ये बेटा ऐसे हिल मान लो, ये आपकी हिल हो जाएगी। ठीक हो जाएगी, ये आपकी हिल हो जाएगी, तो एक आदमी हिल के टॉप को देखता है, तो इसका यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना, जैसे बनेगा ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे करके बन जाएगा ऐसे ना। तो अब देखो कह रहे जो आपका वाटर, जो वाटर का सरफेस है ए बी की पैदल एक लाइन डी से ड्रॉ करोगे, क्या हो जाएगा, ये मान लो ई पॉइंट पर ये कट करता है, तो ये आपका 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहे हैं इसी पॉइंट से मतलब आदमी पहले, जैसे देखो जैसे आप कोई हिल देखोगे कि आप बिल्डिंग देख रहे हो, अब आप किसी मकान पे मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है और प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे आप किसी मकान पर खड़े होकर के बड़ी बिल्डिंग को देखो, फिर उसके बेस को देखो, तो क्या हो जाएगा, ये हिल के पहले हिल के टॉप को देखता है, फिर हिल के बेस को देखेगा, तो इसका ये एंगल ऑफ डिविजन कितना बनता है, ये हमारा 30 डिग्री बनता है, इतना बनेगा। तो हमसे कह रहा है कि क्या अपन करना है, हमको फाइंड द हाइट, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड फ्रॉम द शिप, हमको शिप की हिल की डिस्टेंस मतलब शिप और हिल के बीच की डिस्टेंस बतानी है, जब हमको हाइट ऑफ हिल बताना है। ठीक है, तो हम लोग ये मान लेते हैं, तो हो जाएगा जी एच, क्या हो जाएगा जी एच, आपकी हाइट ऑफ द हिल हो जाएगी। तो इसके बाद बेटा अगर हम लिखना चाहें इधर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा ये सरफेस ऑफ वाटर आपका हो जाएगा, ये आपका ए बी सरफेस का वाटर हो जाएगा, ए डी क्या हो जाएगा,
लिखेंगे एडी का जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म ना, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म कहाँ से, प्लेटफॉर्म फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जो आपको ए मीटर यहाँ पर दे रखा है। अच्छा बेटा ध्यान दो यहाँ पर, ठीक, अगर ये एडी बराबर का जी हो जाएगा, वो तो बात की बात, देखो एच जी क्या हो जाएगा, एच जी आपका क्या हो जाएगा, हिल हिल हो जाएगा, तो इसकी हाइट हमको निकालनी है, तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, एच जी क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द, ये हम लोग क्या आ जाएगा, ये हम लोग का हिल यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो अब थोड़ा सा अगर लिखते हैं तो जितना ए जी होगा, ए जी बराबर का डी हो जाएगा, ठीक, ये आपका पहला मिल जाएगा। फिर क्या मिलेगा आपका, ए डी बराबर का आपका ई जी बराबर का ए आ जाएगा, ठीक, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये बेटा कितना जाएगा, ये भी हमारा 30 डिग्री यहाँ पर ये आ जाएगा, वैसे इसकी आवश्यकता है, देखते हैं क्या होता है। अब देखो इतना हम लोग का हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ई ई डी जी बराबर किसके आ जाएगा, एंगल डी जी ए क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हम लोग का 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा, और एंगल क्या आ जाएगा, एंगल एच डी ई ये कितना आ जाएगा, ये हम लोग का 60 डिग्री आ जाएगा। अब इतना हम लोग को इस फिगर से जानकारी मिलती है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो बेटा अगर हम बात करते हैं, इतने में पहले बात करते हैं, पहले इस साइड लिखते हैं, बात करते हैं इन ट्रेंगल, बेटा अगर ट्रेंगल एच ई डी की बात करोगे, एच ई डी की बात करोगे, तो इसमें एंगल ई कितना आ जाएगा, एंगल ई हम लोग का 90 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो कोई भी हिल, कोई भी हिल वाटर सरफेस से 90 डिग्री पर होती है ऐसा मानते हैं, बट अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए जी पैदल आपका डी दे रखा है, तो कहा जाए आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, तो ये आपका ये भी 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, इतना लिखेंगे। तो बात करते हैं बेटा इसमें, देखो हमको एच ई निकालना है और डी डी बराबर का ई जी ए जी हो जाएगा, तो बात करते हैं इसमें अगर टेन ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, बेटा टेन 30 डिग्री 60 डिग्री से अगर लेते हैं हमें टेन 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा एच ई अपान का क्या आ जाएगा, एच ई अपान का डी आ जाएगा। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये टेन 60 वैल्यू √3 आपका होता है, और एच ई हमें पता नहीं है, तो एच ई हम लोग का, एच ई को बेटा अगर चाहो तो क्या ले सकते हो भाई, देखो अगर ये ए है तो आपका ए आ जाएगा, पूरी हाइट को अगर आप एच मान लो बेटा, पूरी हाइट को अगर एच मान लो तो इसको हम क्या ले सकते हैं भाई, एच ई को क्या लिखेंगे, एच ई आपका हो जाएगा एच जी माइनस का आपका ई जी आ जाएगा, और डी ऐसे हम लोग का यहाँ पर ये ऐसे लिखा रहेगा। बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हम लोग की वैल्यू √3 आ जाएगी। अब देखो एच जी की वैल्यू मतलब हम मानेंगे कि जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट हो जाएगी, ये आपकी जो हिल्स की हाइट है इसको हम लोग स्मॉल एच मान लेंगे, अगर स्मॉल एच मान लेंगे तो इस एच डी कितना आ जाएगा, एच डी स्मॉल एच आ जाएगा, स्मॉल एच माइनस का ये आपका ए आ जाएगा, और अपान कितना आ जाएगा, ये हमारा डी आ जाएगा। अब थोड़ा इधर देखो हम लोग, तो हम लोग अगर डी की निकालते वैल्यू है तो डी कितना हम लोग को मिल जाएगा, डी मिलेगा एच माइनस का ए अपान का √3 हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा भाई, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा। अब देखो अगर बात करते हैं हम लोग हैं इन ट्रेंगल, बात करें ट्रेंगल इसमें डी ए जी की बात करते हैं, डी ए जी की बात करोगे इसमें एंगल ए कितना आ जाएगा, एंगल ए हम लोग का यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखो इसमें अगर बात करते हैं हम टेन
30 डिग्री हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, पी अपान का बी आ जाएगा, तो एडी एडी अपान का आ जाएगा या मूल का एजी आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हम लोग का वन अपान का रूट थ्री आ जाएगी। भाई टेन थर्टी की वैल्यू वन अपान का रूट थ्री होती है, और एडी कितना आ जाएगा, एडी हम लोग को ए दे रखा है। अच्छा एजी बराबर का डी हो जाएगा, पहले देखो एजी बराबर का आपका, देखो हमने क्या लिखा, एजी बराबर डी आपका हो जाएगा, और हम लोग डी यहाँ पर डी लिख देंगे। अच्छा ठीक है, तो डी बराबर कितना हम लोग का आ जाएगा, डी हम लोग का आ जाएगा ए रूट थ्री हम लोग का, भाई हम लोग क्या करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी की वैल्यू ए रूट थ्री हमारी आ जाएगी, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो डी कितना आपका आ जाएगा, डी आ जाएगा एच माइनस का ए अपान का रूट थ्री आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये ए रूट थ्री बेटा ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, ठीक, इतने में दिक्कत हमारी जाएगी। अब इनका एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लो कितना जाएगा, ये एच माइनस का ए एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो कितना जाएगा ये ए आ जाएगा, और रूट थ्री का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पर रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना जाएगा, ये हमारा थ्री खाली आ जाएगा, इसको हम थ्री यहाँ पर ले सकते हैं, कितना जाएगा थ्री ए इक्वल आपका आ जाएगा एच माइनस का ए आ जाएगा। भाई देखो ये आपका जब दूसरी ओर जाएगा, ये हमारा दूसरी ओर जाएगा तो कितना जाएगा थ्री ए प्लस का ए आपका आ जाएगा, ये आपका एच लिखा रहेगा यहाँ पर, या फोर ए आपका आ जाएगा, फोर ए बराबर का एच आ जाएगा, ठीक है, जो ए कितना आपका आ जाएगा एच अपान का फोर यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो ए हमारा कितना निकला, एच अपान का फोर निकला है, ठीक है बेटा, ये वाली वैल्यू अगर चाहो तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे, तो इसको मान लो इक्वेशन वन यहाँ मान लो, इसको इक्वेशन ये नहीं घर, इसको इक्वेशन हम लोग वन मान लेंगे, ये आपका इक्वेशन टू यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर आप लोग की परमिशन हो तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर रख कर देते हैं, ताकि आपको समझाने में अच्छा लगे, समझ में भी आपको यहाँ पर आए, क्वेश्चन आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, जिसको क्वेश्चन दोबारा पढ़ना हो क्वेश्चन दोबारा यहाँ पर पढ़ सकता है। अब देखो बेटा जब ए की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करोगे तो डी हमको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा डी कितना मिलेगा, फिर देखो इधर डी ऐसा लिखा रहेगा, तो ये एच ऐसा लिखा रहेगा आपका, एच माइनस का ए की जगह जाएगा एच अपान का फोर आ जाएगा, ये कितना जाएगा, ये हमारा जाएगा एच अपान का फोर आ जाएगा, ठीक, और अपान में ये रूट थ्री हम लोग ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। अब बेटा देखो इधर इनका एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा, कि ये देखो फोर करोगे कितना जाएगा, फोर एच माइनस का एच अपान कितना जाएगा, ये हम लोग का फोर आ जाएगा, और ये पूरे का अपान में रूट थ्री अपान का वन ऐसे लिखा रहेगा, इक्वल यहाँ लगा करके हम लोग डी लिख लेंगे। अब देखो फोर एच माइनस का एच करोगे थ्री बचे, थ्री एच बचेगा हमारा, तो कितना जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा थ्री एच आ जाएगा, कितना जाएगा, देखो इधर ये डी ऐसे लिखा रहेगा। अब यहाँ देखो थ्री एच माइनस फोर एच माइनस का एच करोगे तो आपका थ्री आ जाएगा, तो थ्री एच अपान का फोर, तो ये हम लोग का कितना जाएगा रूट थ्री अपान का वन आ जाएगा। बेटा सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, तो इनका ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे का मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा थ्री जैसे लिखा रहेगा, थ्री एच अपान कितना जाएगा फोर, ये रूट थ्री आ जाएगा। तो इनको जब कट करोगे ऐसे, इनका हम लोग कट कर लेंगे यहाँ पर ऐसे, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा कितना जाएगा रूट थ्री। तो देखो थ्री को जब रूट थ्री से डिवाइड करोगे, जब कट करोगे तो रूट थ्री एच ऊपर आ जाएगा, अपान का ये फोर आ जाएगा, ये बेटा हमारा डी आ जाएगा। तो डी की हमारी हाइट कितनी, डी हमारा कितना मिल जाएगा, भाई देखो इसमें कुछ गिवन नहीं दे रखा है, तो ये हमारे डी क्या जाएगा भाई, एच के फॉर्म में हमारा आ जाएगा, क्योंकि हमको और यहाँ पर यूनिट्स नहीं दे रखी हैं, तो कम से कम ये हाइट हमको देनी चाहिए, तो देना चाहिए था, तो हमारा इतने में क्या आ जाएगा, ये हमारा डी आ जाएगा, ये हमारा डी आ जाएगा। और एच की वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी, एच हमारा देखो बेटा एच यहाँ से निकालोगे तो एच की वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी, एच हमारा आ जाएगा फोर ए, मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारा फोर ए यहाँ से आ जाएगा। भाई देखो अब यहाँ से तुम्हें क्या मिलता है, देखो ये आपका डी आपका अंडर रूट थ्री एच अपान का फोर आ जाएगा, आपका दोनों मतलब कि इसकी हिल्स की और इसकी क्या जाएगी शिप के बीच की डिस्टेंस हम लोग की आ जाएगी, ये हमारा इतना आ जाएगा। अब देखो इधर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम कहेंगे कि जितना शिप आपके वाटर सरफेस से ऊपर है, जितनी हाइट पर है, उसका चार गुना, उसका क्या हो जाएगा, उसका चार गुना हाइट ऑफ द हिल आपकी हो जाएगी। तो देखो अगर कोई यूनिट नहीं देगी तो हमारा किसी के संबंध में ही हमारा आंसर यहाँ पर आने वाला है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अपना
अपने अगले क्वेश्चन को यहाँ पर चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर रफ करते हैं दोस्तों है। तो आपको लगभग समझ में आप लोग को आ गया होगा। आप लोगों को सर पूरा पूरा आंसर क्यों नहीं आया? तो देखो आंसर पूरा इसलिए नहीं पूरा पूरा आएगा, हमको ए ही खाली यहाँ दे रखा था, कुछ हमको डिस्टेंस यहाँ पर दी जानी चाहिए थी, नहीं दी गई, तुम्हारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग बेटा यहाँ पर रफ करते हैं, अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम सेकंड क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कोई 600 किलोमीटर पर आवर मुझे रखा, कह रहा है कोई हमारा एरोप्लेन है जो 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। फिर अलॉन्ग द स्टेट रोड, अब देखो जैसे मान लो क्या हो जाएगा, देखो बेटा अगर आप लोग पढ़ाते जैसे बताते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा, जैसे ये आपकी स्टेट रोड कोई है, ए बी क्या हो जाएगी, ए बी हम लोग की रोड हो जाएगी, और ऊपर ऐसे ही मान लो कोई एरोप्लेन चल रहा है, समझो ठीक। कह रहे एक ऐसे मान लो ये इसका रूट ऐसे कैसे भी इसका रूट इसका हो जाएगा, कह रहे इसका ये चल रहा मान लो ऐसे ये हम लोग का प्लेन आ जाएगा। तो कह रहे हैं मान लेते ए पॉइंट से, इसके बाद कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट, मतलब देखो अगर प्लेन उड़ रहा है तो इसके लिए मतलब एक कह सकते हो कि एरोप्लेन क्राफ्ट मतलब क्या हो जाएगा, जिस पर प्लेन लैंड करता है उड़ता है तो इसका क्राफ्ट हो जाएगा, तो इसमें क्राफ्ट बोला गया है। फिर इस पॉइंट से ठीक है एट द लोकेशन एट एनी टाइम इज 60 डिग्री, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कि इसका हुआ 30 डिग्री दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी पॉइंट से कितना बन रहा है ये हमारा 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ठीक है देखो फिर कह रहे 12 सेकंड बाद, भाई देखो 12 सेकंड बाद जो हमारा जहाज है थोड़ा सा आगे इस साइड बढ़ेगा, आगे जैसे बढ़ेगा तो हम मान लेते हैं हमारा एरोप्लेन यहाँ पे आ जाता है, तब इसका एंगल कितना बनता है, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, ये हमारा 60 डिग्री हो जाता है। अब बेटा 60 डिग्री बनना, तो कह रहे हैं यार ये बताओ कि जैसे 12 सेकंड कितना हो जाएगा, भाई देखो कह रहा है इस बात इसके कह रहा है आफ्टर 12 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट एट द लोकेशन बिकम 60 डिग्री, फिर उसी पॉइंट पर पहले 30 बन रहा था, जब 12 सेकंड में जहाज कुछ तो अपनी स्पीड से आगे बढ़ेगा, अब जब आगे बढ़ेगा तो ये कितना हो जाता है, ये हमारा एंगल 60 डिग्री हम लोग का मूव हो जाता है, भाई 30 से 60 हो जाता है, भाई जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है 30 से 60 आपका हो जाएगा, तो जहाज इस साइड ही आपका जाएगा। तो कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन, हमको प्लेन की हाइट यहाँ पर बतानी है, ठीक है। कैसे देखते हैं कैसे कर देखो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। अपने देखो बेटा जैसे कि हम लोग क्या कर लेंगे, ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एक ए बी का हो जाएगा रोड हो जाएगा, इसी को हम लोग एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं। मान लेते हैं ए पॉइंट पर, और ये मान लेते हैं हम जहाज की पोजीशन हमारी ये हो जाएगी, ये मान लो थोड़ा सा ऐसे मान लो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा, ये हमारी जहाज की पहली पोजीशन है। तो इस पोजीशन से जहाज के एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट का कितना बनता है, ये हमारा कितना बन रहा है, ये हमारा 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। बड़ा इस समय हम मानेंगे जहाज की हाइट अर्थ के सरफेस से कितना हो जाएगी, एच मीटर की हाइट पे हो जाएगी हम मान लेंगे, ठीक कितना हो जाएगा, ये हमारा एच मीटर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं जहाज जो उड़ रहा है ना वो क्या हो जाएगा, रोड के पैरेलल उड़ रहा है बिल्कुल सही। तो अब देखो 12 सेकंड के बाद हम मान लेते हैं जहाज आपका यहाँ पहुंच जाता है, तो हाइट तो सेम ही रहेगी, ये हाइट तो हम लोग की, देखो ये सवाल आप लोग ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, बैलून वाला सवाल था ना, बैलून उड़ता है तो उसमें डिस्टेंस निकाली थी, इसमें हम लोग को हाइट निकाली, ठीक है निकल जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, अब देखो इधर ये डिस्टेंस कितनी कवर करते हैं, ये 12 सेकंड का समय यहाँ पर ये लोग लेते हैं, भाई देखो हमको टाइम दे रखा, स्पीड दे रखा, हम डिस्टेंस यहाँ पर निकाल लेंगे दोनों के बीच की, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हम लोग का डी पॉइंट वहीं से पहुंच जाते हैं, अब देखते हैं कितना हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है यहाँ पर है। ये वाला बेटा हमारा 60 डिग्री बन रहा है, कितना बनना है 60 डिग्री बन रहा है, ये फिगर हमारा बन जाएगा। तो इसके हम लोग यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हम लोग क्या हो जाएगा, ए बी हम लोग क्या हो जाएगा, रोड आ जाएगा, रोड आ जाएगा, ठीक है। और सी एंड डी क्या जाएगा, सी एंड डी आर द जिसने बैलून वाला सवाल किया होगा ना कि एक 1.2 मीटर लड़की कोई होती है जो आसमान से 88.something पर बैलून उड़ रहा होता है उसको देखती है, इसमें थोड़ा अच्छा सवाल, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अगर वो कॉन्सेप्ट इसको आता होगा तो इस सवाल में दिक्कत हम लोग को नहीं होने वाली है।
सी एंड डी आर द पोजिशन ऑफ द एरोप्लेन, क्या हो जाएगा एरोप्लेन की पोजिशन ये हो जाएगी, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पॉइंट इज द, क्या हो जाएगा, ए पॉइंट इज अ, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ए। तो देखो लैंग्वेज आपके सामने लैंग्वेज बनती है, ठीक है, लैंग्वेज को याद यहाँ रहता है नहीं, फ्रॉम फ्रॉम अ पॉइंट ए द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन, कितना बनना है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री यहाँ से बन रहा है, ठीक भाई, यहाँ से इनका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, इसको ई पॉइंट मान लो, यहाँ पर ये यह आपका ई पॉइंट हो जाएगा। तो अब देखो सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ए से एरोप्लेन सी पर रहता है तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है, ठीक, एरोप्लेन जैसे 12 सेकंड के लिए आगे बढ़ता है, ठीक, अब 12 सेकंड के लिए जब आगे बढ़ेगा बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पर इसका एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। देखो सी से डी, जाने में कितना समय लगा, 12 सेकंड लगा, ठीक, तो हमको लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम कवर्ड डिस्टेंस सी टू डी, सब टाइम टेकन हो जाएगा ना, आगे तो लिख लो इधर फ्रॉम कवर डिस्टेंस सी टू डी रह जाएगा टाइम टेकन, कितना समय लगा थोड़ा समझे इधर, टाइम टेकन कितना समय लगा, ये हम लोग को 12 सेकंड लगा, ठीक, लिखेंगे स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की स्पीड क्या है, वैसे स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड हमको दे रखी है ये 600 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो अब देखो यहाँ देखो बेटा, हमको स्पीड टाइम दे रखा है, हम डिस्टेंस सी डी के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वह निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो ये हमारा समय सेकंड में दे रखा है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड चेंज करते हैं तो 5/18 से इसको क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 600, फिर 5/ कितना जाएगा, ये हमारा 18 आ जाएगा, ये हमारा मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके इतना जाएगा 6 1 6 आपका आ जाएगा, ठीक है, 6 1 6 ये आपको इतना जाएगा, ये 2 जीरो हम लोग को लग जाएगा यहाँ पर, मतलब 6 3 जा आपका आ जाएगा, फिर इतना जाएगा, ये हम लोग आ जाएगा 500/3, ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, तो भाई ये क्या आ जाएगा, ये हमारी स्पीड आ जाएगी, ये हमको सेकेंड दे रखा है। अब यहाँ देखो बेटा क्या हो जाएगा, देखो इधर तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कितनी, जाएगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपका डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू आपका टाइम हो जाएगा, ये भाई फॉर्मूला होता है स्पीड और डिस्टेंस अपन का टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम आपका आ जाएगा। तो देखो इधर स्पीड कितनी हमको दे रखी है भाई, 500/3 आपका आ जाएगा, टाइम कितना लगा है 12 सेकेंड, इसको कट करो कितना जाएगा, ये हम लोग का 4 आ जाएगा, कितना जाएगा, ये हम लोग का 4 5 20, तो हम लोग कितना जाएगा, ये हम लोग का 2000 मीटर, क्या जाएगा, 1 सेकेंड, ये 12 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये 2000 मीटर हमारी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी आ जाएगी बेटा, हम लोग की डिस्टेंस यहाँ पर ये आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2000 मीटर हम लोग की डिस्टेंस यहाँ पर ये आ जाएगी। अब देखो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस किसकी डिस्टेंस है, ये सी से डी या बी से ई में डिस्टेंस लगी है, तो इसी डिस्टेंस हम लोग यहाँ लिख सकते, कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, ये हम लोग का 2000, हमको बी मिल गया है, ठीक, अब बी हमको यहाँ पर मिल गया है, अब हम इसमें ट्रायंगल का यूज करते हैं, बट आप लोग की परमिशन हो तो क्वेश्चन ये रफ कर देते हैं ताकि क्वेश्चन लगाने में आसानी हम लोग को हो जाए, जगह भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, 3 दिन क्वेश्चन बताने में मज़ा तो आती है लेकिन टाइम बहुत लगता है। अब बेटा देखो इधर इतना समझ आप लोग को आ गया होगा, अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, बड़ा इन ट्रायंगल बात करते हैं, ए डी ई ए की बात करोगे तो इसमें एंगल ई कितना आ जाएगा,
ये बेटा हम लोग का 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अगर एंगल ई 90 डिग्री हम लोग का है तो बात इसमें क्या ले रहे हैं, टेन इसमें अगर हम लेते हैं, इसमें लेते हैं अगर हम टेन, भाई देखो एंगल डी ई ए या ए ई डी की बात करोगे तो टेन कितना 60 डिग्री हम लोग का यहाँ पर एंगल एज्यूम हम लोग ले लेंगे। तो टेन आपका पी अपान का बी होता है, लंब बटे आधार का हो जाएगा। तो देखा ये हम लोग का आ जाएगा डी अपान का आ जाएगा, डी अपान का ये हम लोग का बेटा ए ही आ जाएगा। अब ए ही आ जाएगा तो ध्यान देना बेटा यहाँ क्या जाएगा, हम लोग ये टेन 60 के लिए रूट थ्री होती है, ये हम लोग का रूट थ्री आ जाएगा। अब डी हम लोग एच, हम डी को हमें एच माना है भाई, हाइट किसके जो प्लेन की हाइट हो जाएगी अर्थ के सरफेस से, इतना जाएगा। और ए ए की वैल्यू अभी ए को ऐसे ही रखो ए, तो यहां से बेटा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी एच अपान का रूट थ्री आ जाएगी, इसको इक्वेशन एक मान लो। अब बेटा यहां देखो ऐसे बड़े वाले ट्रेंगल की बात करते हैं, बात करते हैं इन ट्रेंगल सी बी ए या ए बी सी की बात करते हो, ए बी सी की बात कर लो, तो इसमें एंगल एंगल बी कितना आ जाएगा, एंगल बी हम लोग का 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो अगर हम टेन 60 टेन 30 डिग्री यहाँ पे हम लोग लेते हैं, टेन क्या हो जाएगा लंब बटे पूरा आधार हम लोग जाएगा। तो ये हम लोग का बी सी आ जाएगा, बी सी अपान का ये ए बी आ जाएगा। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, बी सी हम लोग का एच आ जाएगा। और ए बी कितना आ जाएगा, ए बी को हम लिखेंगे ए प्लस का, और ई बी बी कितना आ जाएगा, बी हमारा यहाँ पर 2000 आ जाएगा, 2000 आएगा, 200 नहीं आएगा ब्रो, 2000। क्योंकि देखो दो जीरो पहले से और पांच चौक 20 आपका हो जाएगा। अब देखो इनका बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, ठीक, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इनको ये भी सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ए ए प्लस का 200 इक्वल कितना जाएगा, एच रूट थ्री आ जाएगा। तो यहां से बेटा देखो ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, भाई देखो ए हमको एच अपान कर दे रखा है तो हम लोग ए की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। तो ठीक है ए जो हम आपके बड़े भैया हैं, तो देखो हमने हम यहाँ लिखेंगे, आप लोग क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन टू पुट करोगे, ठीक है, और हम ऐसे यहाँ पर पुट कर ले रहे हैं, ठीक, आप लोग लिख के पुट करना। तो ए कितना आ जाएगा, ए हम आ जाएगा एच रूट थ्री प्लस का आ जाएगा 200, और इक्वल कितना आ जाएगा, ये हम लोग आ जाएगा एच ये रूट थ्री बेटा ऐसा लिखा रहेगा, ये ए वो एच अपान रूट थ्री। अब देखो क्या जाएगा, एच वाला एक साइड कर लो, ठीक बेटा ये एच वाला उस साइड जाएगा, ये जाएगा एच ये रूट थ्री एच ऐसा लिखा जाएगा, मर्ज आ जाएगा, यह जाएगा एच अपान का रूट थ्री आ जाएगा, और इक्वल ये बेटा हमारा 200 यहाँ ऐसे लिखा रहेगा। बेटा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो रूट थ्री का जब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री कितना जाएगा, ये थ्री आ जाएगा, थ्री एच माइनस का एच अपान का ये रूट थ्री आ जाएगा। और ये बेटा कितना लिखा रहेगा, ये हमारा 200 था ना, 2000 था ब्रो, 2000 कर लो, 2000 ये हमारा 2000 आ जाएगा, ठीक, ये हम लोग का 2000 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो तीन में से एक जाएगा दो बचेगा, तो टू एच ओ ये बेटा रूट थ्री का मल्टीप्लाई इनसे कर दो कितना आ जाएगा, ये 2000 इंटू रूट थ्री आ जाएगा। बेटा ये एच ये टू इसकी अपान में जाएगा तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की आ जाएगी वैल्यू 2000 रूट थ्री अपान का ये टू आ जाएगा। तो ये मीटर लिखा रहे भाई, कट कर लो इनको, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 इंटू रूट थ्री मीटर, ये बेटा एच की वैल्यू आ जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट। भाई ये एच हमने क्या माना था, भाई एरोप्लेन की हाइट रोड से मानी थी या एयरक्राफ्ट से मानी थी, ठीक, ये अर्थ के सरफेस, भाई रोड तो अर्थ के सरफेस पे होगी ना, इसी क्या हो जाएगी बेटा, यही क्या हो जाएगी, एरोप्लेन की हाइट आ जाएगी। हमसे एरोप्लेन की हाइट ही पूछा था, तो मैं बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं, भाई तबीयत थोड़ी थोड़ी अब सही हो रही है, मतलब फीवर भी आ गया, तो डेंगू नहीं था वैसे, लेकिन मजा आ गया जुकाम में, और हमारे तीस में भी दर्द होने लगा, दर्द ऐसा हुआ कि अभी भी दर्द हो रहा है, लेकिन अब पढ़ाना भाई तो है ही है, जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा दोस्तों।
बेटा ये हम अपने आखिरी क्वेश्चन की चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हम पढ़ते कह रहा है, अब ये आसान क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि जैसे दिखाना वो हमको यहाँ पर दे रखा है, वो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम अ विंडो 60 मीटर हाइट, कहाँ से? फ्रॉम द बेस ऑफ द हाउस। कह रहे हैं कि ये बेटा यहाँ मान लो ये आपका अर्थ का सरफेस हो वाला ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये मान लो अर्थ का सरफेस आपका हो जाएगा, फिर इससे अर्थ के सरफेस से कोई हाउस होगा, तो हाउस से मान लो ये 60 मीटर की, मतलब 60 मीटर की हाइट पर, भाई कोई हाउस 60 मीटर ऊंचा, भाई 60 मीटर भगवान ने जान दे कैसा हाउस होगा, 60 मीटर ऊंचे विंडो लगी है, ठीक है, एक बार तो बिल्डिंग छोटी सी होगी, ठीक। कह रहे हैं ऐसे यहाँ पे कि 60 मीटर की हाइट हो जाएगी। कह रहे हैं और हाँ, कह रहे हैं फ्रॉम अ विंडो 60 मीटर हाई फ्रॉम द बेस ऑफ अ हाउस सिचुएटेड ऑन अ रोड ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ रोड ऑफ, इतना हो जाएगा, ठीक, अपोजिट साइड ऑफ द रोड इतना हो जाएगा। इफ इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बेस ऑफ द सेकेंड हाउस सिचुएटेड आर 60 डिग्री आर 45 डिग्री। इसे क्या कह रहे हैं कि अगर देखो सवाल समझे तो लैंग्वेज में दिक्कत है, लेकिन सवाल आपको हम समझा रहे हैं। कह रहा है कोई रोड है, कह रहे ये रोड हो जाएगा, ठीक, फिर रोड के एक साइड 60 मीटर की हाइट, मतलब कोई हाउस होगा, हाउस के 60 मीटर पर एक मतलब विंडो लगी है, इससे इससे क्या करते हैं, इससे देखते हैं, क्या देखते हैं, अपोजिट साइड कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग कोई बेटा हो गई होगी ऐसे कोई कोई, ठीक, बड़ी बिल्डिंग है, इसके टॉप को देखते हैं, तो टॉप और इसके बेस को देखते हैं, तो टॉप को देखोगे बेटा तो इस प्रकार से देखते रह जाओगे, ठीक बेटा, और क्या हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, रोड के सरफेस एक लाइन ड्रॉ कर दोगे ऐसे, रोड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी हम क्या मानेंगे, ए बी हम लोग मान लेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, दोनों हाउस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस हाउस के बीच की है तो ये हम सी डी मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको हम ई मान लो ऐसे। अब देखो इधर इतना हम लोग का ये हो जाएगा। अब बेटा देखो कह रहा है, अगर देखो ये बेटा अगर 60 मीटर है तो ये भी हम लोग का 60 मीटर हो जाएगा, तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे कह रहा है कि हमें क्या दिखाना है, हाँ कह रहा है शो दैट द हाइट ऑफ द टू अपोजिट हाउसेस विल बी इतनी, मतलब दोनों हाउस की, मतलब दोनों हाउस जो अपोजिट साइड से दोनों हाउस है ना, अपोजिट साइड का जो हाउस है ना उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 60+√3 मीटर हम लोग की हाइट यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो हम बेटा मान लेंगे कि ये एक्स हाइट हो जाएगी, हम मान लेंगे, देखो पहले हम क्या लिखेंगे, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी आपका हाउस हो जाएगा, ए सी आपका हाउस हो जाएगा, और ए बी क्या हो जाएगा, ए बी आपका हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस, आपका टू हाउसेस हो जाएगा, ठीक है, और बी क्या हो जाएगा, बी आपका अनदर हाउस हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा अपोजिट साइड सिचुएटेड सिचुएटेड क्या हो जाएगा, सिचुएटेड हाउस हो जाएगा, भाई ऐसा हाउस है जो अपोजिट साइड यहाँ पर आपका स्थित है, ठीक है। अब देखो इधर इसकी हाइट हम लोग क्या मान लेंगे, इसकी हाइट हम लोग स्मॉल एच मान लेंगे, ये आपकी स्मॉल एच आ जाएगी, इतना आ जाएगा। अब यहाँ देखो ठीक, ए बी बराबर का हम लोग का सी डी आ जाएगा। अच्छा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था यहाँ, टॉप का बन कितना बन रहा था, ये हम लोग का टॉप का 60 बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, कह रहा है ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बेस ऑफ द सेकेंड हाउस कितना हो जाएगा, 60 बन रहा है। भाई इस वाले हाउस की विंडो से दूसरे हाउस के टॉप को देखते हैं तो एंगल आपका एलिवेशन 60 बनना होगा, जब हाउस के बेस को देखते हैं तो कितना बनना है, ये हमारा 45 डिग्री बनना है, तो ध्यान देना अगर ये 45 तो ये आपको 45 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर आपका एंगल आ जाएगा, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखो इधर ठीक, तो ए बी बराबर का सी डी आ जाएगा, और हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल ई सी डी कितना जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एंगल डी सी बी
इक्वल एंगल किसके आ जाएगा, ए बी सी के आ जाएगा, ए बी सी के आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर ये आपका एंगल आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर आपका एंगल आ जाएगा। भाई देखो ये वाला अगर इनके बराबर हो जाएगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सी डी आपका पैरेलल भी तो ए बी हो जाएगा ना, यहाँ चाहो तो लिख लो, ठीक आ जाएगा आपका, जो आपका ए बी है पैरेलल क्या आ जाएगा, सी डी क्या आ जाएगा, भाई इतना आप लोग का यहाँ पर, भाई इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा कम से कम लैंग्वेज में, इसको यहाँ लिखाया गया है। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंट्रेंगल डी एंगल सी डी ई की बात करते हैं, जिसमें एंगल डी कितना आ जाएगा, एंगल डी हम लोग का नब्बे आ जाएगा। भाई देखो बात करते हैं ट्रेंगल सी डी ई की बात करो तो एंगल डी आपका नब्बे आ जाएगा। भाई क्यों, भाई दूसरा जो हाउस होगा वो अर्थ से नब्बे जाएगा, तो ये वाला एंगल बराबर इनके हो जाएगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं ना, कि भाई दो जब दो पैर लाइन ड्रॉ करती हैं, जब थर्ड कोई लाइन उसके कट करती है तो उसे ट्रांसवर्सल या त्रिरेखा बोलते हैं, तो ये वाला एंगल बराबर इनके हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग या संगत एंगल इसको है, संगत कोण इसको बोलते हैं, इतना आपका आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो क्या आ जाएगा, इतना बढ़िया आ जाएगा। बात कर देखो अगर हम बात इसी ट्रेंगल में, अगर हम टेन 60 डिग्री बेटा अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं, टेन 60 क्या हो जाएगा, पी अपान का बी आ जाएगा, लंब बटे आधार आ जाएगा, तो पी कितना आ जाएगा, पी हम लोग का ई डी आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा, बेस हम लोग का यहाँ पर सी डी आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये हम लोग का रूट थ्री आ जाएगा, ये टेन 60 की वैल्यू कितनी, हम लोग की रूट थ्री आ जाएगी, और ई डी कितना आ जाएगा, ई डी हम लोग का एक्स आ जाएगा, और सी डी कितना आ जाएगा, सी डी को हम लोग अभी यहाँ पर अभी हम लोग ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे, ठीक, और सी डी की वैल्यू कितनी बड़ा यहाँ से मिल जाएगी तुमको, सी डी हम लोग को मिल जाएगा एक्स अपान का रूट थ्री मिल जाएगा, इसको इक्वेशन हम लोग एक मान लेंगे। बेटा देखो इस ऐसे ही हम लोग बात करेंगे ट्रेंगल ए बी सी की बात करेंगे, या ट्रेंगल सी ए बी की बात करेंगे, बात करते हैं इंट्रेंगल, इंट्रेंगल सी ए बी की बात करोगे तो एंगल ए कितना आ जाएगा इसमें बेटा, एंगल ए आपका 90 डिग्री यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो इस बात करते हैं इसमें अगर हम 10 45 डिग्री इसमें अगर हम लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये हम लोग का ए बी पी अपान का बी आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपान का बेस आ जाएगा, ठीक, इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा ए सी, ए सी अपान का ये बेटा ए बी आ जाएगा। अब देखो 10 45 की वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है, ए सी की वैल्यू हमको 60 दे रखी है, और ए बी हमको पता नहीं, ए बी हम लोग का ऐसे रहेगा, बड़ा ए बी कितना मिल जाएगा हमको यहाँ से, ए बी हमको 60 मीटर यहाँ से मिल जाएगा। और ध्यान देना ए बी अगर 60 मीटर है तो ए बी बराबर का सी डी हम लोग का आ जाएगा, तो लिखेंगे ए बी बराबर का सी डी आ जाएगा, सी डी हम लोग का 60 मीटर यहाँ पर ये आ जाएगा। अब सी डी 60 मीटर है तो सी डी बेटा यहाँ पुट कर दो, सी डी पुट करोगे यहाँ पर तो सी डी कितना हम लोग का आ जाएगा, भाई देखो सी डी पुट करेंगे, सी डी 60 मीटर यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी डी, वैल्यू लिख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी डी इन इक्वेशन 1, भाई सी डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो सी डी कितना आ जाएगा, सी डी हम लोग का 60 आ जाएगा, और ये एक्स ये कितना आ जाएगा, और √3 ऐसे लिखा रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ देखो इधर तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू बेटा हमें कितनी आ जाएगी, ये हमारी 60 √3 मीटर क्या आ जाएगी, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये बेटा एक्स आ जाएगा। अब देखो हमको अनदर हाउस में हमसे क्या बोला गया था कि अपोजिट साइड जो हाउस स्थित है उसकी हाइट हमको 60 ब्रैकेट में 1+√3 हमको यहाँ पर दिखानी है, तो बेटा देखो अपोजिट साइड जो हाउस हो जाएगा उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, लेकिन हाइट लिखेंगे, हाइट हाइट ऑफ द अपोजिट साइड हाउस, मतलब अपोजिट साइड हाउस की हाइट कितनी हो जाएगी, तो भाई देखो ये बी हो जाएगी, बी आ जाएगा। बेटा ध्यान अगर बी हाइट हो जाएगी, अगर बी हाइट हो जाएगी तो बी को हम लोग किसे ब्रेक सकते हैं, बी को हम लोग ब्रेक करेंगे ई डी प्लस का, ये हम लोग का बी डी आ जाएगा। अच्छा ईडी कितना हमको दे रखा था, एक्स दे रखा था, तो ये कितना हमको 60 दे रखा था। अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी आई है,
बेटा एक्स की वैल्यू 60√3 आई है और प्लस का ये 60 आ जाएगा। भाई 60 कॉमन ले लो तो √3 प्लस का 1 आ जाएगा मीटर में। बेटा ये मेरी निगाहों से देखो, यही कह जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमको यहाँ प्रूव करना था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों तबीयत खराब थी, ठीक, तो थोड़ा सा एडजस्ट करो भाई, इंसान के लिए भी हम भी हैं। फीवर आ गया, जुकाम हो गया, काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी भाई, डॉक्टर ने बोला आराम करो, लेकिन फिर भी ऑफलाइन क्लास ले रहे थे। ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत की, ऑनलाइन में अकेले पढ़ाते, मान लो गलती हो जाएगी तो कोई जान नहीं पाएगा, हम नहीं जान पाएंगे, फिर आप लोग गलती कमेंट करोगे। तो दोस्तों अब से, मतलब अब से आपको प्रॉपर वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। भाई दिसंबर तक कोर्स पूरा हो जाएगा, ये जिम्मेदारी आपके बड़े भैया की है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अगले पार्ट पर मिलते हैं, तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद।